डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म मईर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस थ्रू एच पी एस एस इन एस पी एस एस वी हैव टू गो टू दाइज टैब दैन वी है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और वहाँ पर आपने फिर फ्रिक्वेंसी के टैब पर क्लिक करना है और आपने वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो आप स्क्यूनस और कट्योस कंप्यूट कर सकते हैं या कंटीन्यूस वेरिएबल के लिए ही कंप्यूट कर सकते हैं ये किसी नॉमिनल लेवल के वेरिएबल या ऑर्डिनल लेवल के वेरिएबल के लिए कंप्यूट नहीं किया जा सकता ये सिर्फ आप जो आपने कंटीन्यूस फॉर्म में अगर कोई वेरिएबल मैयर किया है सिर्फ उसी के लिए ही कंप्यूट कर सकते हैं इनको सेलेक्ट करने के बाद आप स्ट्सटिक्स में जाएंगे और स्टेटस्टिक के टैब को क्लिक करेंगे वहाँ पर आपके पास यहाँ पर जहाँ पर आपने सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन को देखा वहीं पर आपके पास क्यूनस के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के टैब के अंदर हैडिंग के अंदर स्क्यूनस और कोटोस की ऑप्शन दी गई होगी ये आप देखें तो एस पी एस एस की ये ब्यूटी है कि इसने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जो आ, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन और डिस्ट्रीब्यूशन को एक ही जगह रखा है क्योंकि ये सारे फ़ीचर हैं डेटा के और इसके साथ परसेंटाइल वैल्यूज़ को भी रखा है ताकि आप ये सारा फीचर ये जो डेटा के जो फीचर्स हैं वो एक ही दफ़ा इसका एनालिसिस परफॉर्म कर सकें हम क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो अब जब हमने ये सेंट्रल टेंडेंसी भी देख ली है डिस्पर्जन भी देख लिया है तो अब हम इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन के साथ स्क्यूनेस और कटोर्स की वैल्यू को कंप्यूट करने जा रहे हैं कंटिन्यू पे आएंगे कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद स्क्यूनेस की वैल्यू और कटोर्सिस की वैल्यू भी आ गई तो यहाँ पर स्क्यूनेस की वैल्यू पॉइंट है तो मैंने आपको लास्ट मड्यूल में, में बताया था कि अगर ये आ, प्लस वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होगा डाटा अगर ये नेगेटिव वैल्यू के साथ होगी तो डाटा नेगेटिवली सिक्योर्ड होगा तो यहाँ पर एज के कॉन्टेक्सट में वैल्यू जो है कि तो प्लस का साइन शो नहीं होता आ, आ, जो है स्टेटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में जब हम उसको सिंपली लिखते हैं तो ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड डाटा है और ये जो है आइडियल फिट में आता है क्योंकि इसकी वैल्यू वन से कम है और ज़ीरो से ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि देर इज़ आटल स्क्यूनेस इन द पॉजिटिव जो डाटा है इज़ आटल बिट स्क्यू टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड उसको हम ये भी देख सकते हैं इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एक्स uh, बार की वैल्यू जो है वो मोड़ से ज़्यादा तो हमने वहाँ पे भी ये रूल ऑफ थंब पढ़ा था लास्ट मड्यूल में, में कि जब एक्स बार की वैल्यू ज़्यादा हो मीडियन और मोड से तो डेटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड होता है कटोर्सेज़ की देखें तो कटोसेस की वैल्यू जो है ज़ीरो से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि डेटा जो है जो है वो लेप्टोकर्टिक साइड पर होगा यानी उसमें टॉलनेस होगी डेटे में थोड़ी सी ज़्यादा मगर इसकी वैल्यू क्योंकि ज़ीरो से वन के दरमियान है तो इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि डेटा की सिमेट्री इतनी ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं है और डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जी के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव में है वैल्यू है इट मीन्स डैट कि डेटा इज़ नेगेटिवली सिक्यूर्ड और मगर वो स्क्यूनेस कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये जीरो टू वन के दरमियान ही है वैल्यू और इसको हम क्रॉस चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि मॉड की वैल्यू एक्चुअली मीन की वैल्यू से ज़्यादा है यहाँ पे 3.30 है और मीन जो है वो 3.23 है तो हमने वहाँ पे रूल ऑफ सम पढ़ा था कि जब मॉड की वैल्यू बढ़ जाती है मीन की वैल्यू से तो उसमें नेगेटिव स्क्यूनेस के चांसेस होते हैं तो वो हमने इधर प्रैक्टिकली देख भी लिया है कि यहाँ पर हमें नज़र आ गया कि जब मॉड की वैल्यू बढ़ी तो आपकी नेगेटिव साइड पर स्कीूनेस हुई और कटोरसिस की बात करें तो यहाँ पे कटोरसिस की वैल्यू जो है वो वन पॉइंट ज़ीरो वन है इट्स आलमोस्ट वन इक्वल टू वन तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आइडियल फिट की जो है मैक्सिमम थ्रेश होल्ड वैल्यू है उसको टच कर रहा है तो जी पी ए का वैल्यू बी सट्री उसकी डिस्टर्ब नहीं और है और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है ये हम सिर्फ इंटरप्रेट कर रहे हैं इन मैयर्स की बेसिस पे आ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो है इसको स्टेटिस्टिकली कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए इन्फ्लुशियल स्टेटस्टिक्स में जाकर हम एक टेस्ट लगाएंगे जिसमें हम ये हाइपोथेटिकली uh, ये प्रूव uh, करेंगे कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है वो अब हम uh, जब इन्फ्लुएंशियल uh, स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे तो फिर हम वहाँ पर जाकर उसकी बात करेंगे